ईटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम ईटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। दफनाया हुआ मुर्दा 15 दिन बाद अपनी गवाही पेश करेगा। आपको बता दें कि डीएम के आदेश पर 15 दिन बाद कब्र से निकाला गया मुर्दा पीएम पोस्टमार्टम के बाद होगा खुलासा। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बॉर्डर के पास का है, जहां पर लगभग 15 दिन पूर्व महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद माई के बालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया था। मिली जानकारी के अनुसार शादी लगभग 9-10 वर्ष पहले हुई थी। मदनपुर के गाँव हुसैनपुर निवासी मृतक आजू की शादी करीब 9-10 वर्ष पूर्व बराबे कैंसर थाना नवाबगंज में शादी हुई थी। शादी के बाद से भी पति पत्नी और ससुराल जनों में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिनके चलते ससुराल जलों ने मेरी लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतक के 3 बच्चे हैं, 1 बेटी और उम्र लगभग 7 वर्ष, दूसरी बेटी की उम्र 5 वर्ष, सबसे छोटे बच्चे की उम्र 3 वर्ष बताई जा रही है। आज दिनांक डीएम के आदेश के बाद मजिस्ट्रेट टीम ने आकर कब्र खुदवाकर मुर्दे को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की शादी नसीम पुत्र जान मोहम्मद के साथ हुई थी। कब्र खोदने की सूचना पर काफी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए, जो तरह तरह की बात करते नजर आए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंसाफ। ये जो विवाह की हत्या हुई है, किस कारण हुई, क्यों हुई है? ये सब बहुत दुखी रखते थे, शादी हुई जब से बिल्कुल दुखी रखते। लड़का जो है किसी दूसरे से सेट था जी, इसीलिए इस लड़की की हत्या की। किस जगह की थी आपने शादी? ये बड़ा केसम केशवपुर, बड़ा केशव थाना नवाबगंज जी, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद। तो जो आज जो सब निकला है, किस माध्यम से निकला है, किस कारण निकला है? ये सब पोस्टमार्टम गलत उन्होंने कराया, पैसा दे लेके सर, इसलिए हमने दोबारा पोस्टमार्टम करा दिया। जिला अधिकारी के आदेश पे? जी हाँ, आईजी के अधिकारी, मतलब आईजी के ऑर्डर से जी। यहाँ पर कौन कौन उपस्थित मौजूद हैं अधिकारी? सर, जो ये मृतक की हत्या हुई है, विवाहित हत्या की, किस कारण हुई है, क्यों हुई है? ये तो एक्चुअली यहाँ पर ये इंसाफ खां हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि इनकी बेटी की मृत्यु हो गई है जी, और उनको दफन कर दिया गया है, लेकिन वो पुनः उसका जो है पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं जी। इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने आदेश पारित किया कि इसकी पुनः जो है निकलवा करके। कितने दिन पहले हुई थी हत्या? ये लगभग 2/4/19 की घटना बताई जा रही है जी। तो आपने जो सब बाहर निकलवाया है, किस कारण निकलवाया है? ये मिस्टर इंसाफ खां हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि मेरी बेटी की मृत्यु पर मुझे शक है जी, उसको पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए जी। तो उस पर जो है एसपी साहब ने जिलाधिकारी महोदया को लिखा, जिलाधिकारी महोदया ने इसमें आदेश पारित किया कि एक मजिस्ट्रेट के सामने। प्राइमेटी न्यूज के लिए मैनपुरी से अमित कुमार की रिपोर्ट।